किसका नाम लिया इसने? फैसल शेख। हमारे पंजाब में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहावत है कि बड़े से बड़ा झूठा जिंदगी में एक बार गारंटी से सच जरूर बोलता है। कब? मरते वक्त। हाँ तो इंस्पेक्टर किशन देव जी, जी मरते वक्त ब्रांडो नारंग ने आपके कान में कौन सा आखिरी सच कहा था? जी उसने मुझे कहा था कि चिराग का खून फैसल ने किया है। मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज एक बार फिर से बोलेंगे? वकील साहब, मुझे ब्रांडो ने कहा था हाँ? कि चिराग का खून फैसल ने किया है। बिल्कुल यही लफ्ज थे। यकीनन, कुछ फर्क नहीं, यानी कोई ऐसी आधी अधूरी बात नहीं। जी नहीं, जी नहीं। योर ऑनर, सुना आपने, चिराग का कत्ल फैसल शेख ने किया। ब्रांडो नारंग के आखिरी शब्द। एंड ऑफ द मैटर सर जी, केस खत्म, फिनिश्ड, समाप्त, संपन्न। योर ऑनर, ये केस फिनिश, समाप्त, संपन्न हो, उससे पहले मैं आप सबको एक पौराणिक कथा सुनाना चाहूंगा। महाभारत में जब पांडव गुरु द्रोणाचार्य को अपने वश में करना चाहते थे, सर्वप्रथम उन्होंने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध किया और यह ऐलान कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हुआ है। उन्होंने सत्यवादी युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और पूछा, तो युधिष्ठिर ने केवल इतना कहा कि हां, अश्वत्थामा मर चुका है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अपनी हिम्मत और अपना मनोबल दोनों खो बैठे और उन्होंने शस्त्र डाल दिए। अवसर पाते ही उनका वध कर दिया गया। हाँ जी, बड़ा ही रोमांचक टर्निंग पॉइंट था महाभारत का योर ऑनर। लेकिन पाठक साहब, इस प्रवचन का हमारे केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, अक्सर हर सच में एक झूठ होता है और हर झूठ में एक सच। अगर सत्यवादी युधिष्ठिर और गुरु द्रोणाचार्य इस बात का शिकार हो सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं? योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि ब्रांडो का मृत्यु बयान सच में लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा झूठ है और मेरी शंका तभी दूर होगी जब हम ब्रांडो के हत्यारे को यहां इस अदालत में लाकर इस कटघरे में खड़ा करेंगे। कौन? वो ट्रक ड्राइवर। योर ऑनर, मैं पाठक साहब को याद दिला दूं कि ब्रांडो की मौत एक दर्दनाक दुर्घटना थी। उसके बाइक के ब्रेक का केबल वायर टूट गया था जिस वजह से वो आने वाले। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब जिस बात को अपघात कह रहे हैं वो घात है। उसके बाइक का केबल वायर, बाइक का टूटा नहीं, तोड़ा गया। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। केडी, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? योर ऑनर, पुलिस के वाहन परीक्षण विभाग की रिपोर्ट आपकी मेज पर है जिसमें पाया गया है कि ब्रांडो की बाइक का ब्रेक वायर किसी धारीदार वस्तु से 75% काटा गया था और बाकी का 25% ब्रेक अकस्मात दबाने पर टूटा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है और जब फैजल पुलिस की हिरासत में था तो वो कौन है जिसने ब्रांडो की हत्या की? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ब्रांडो का कत्ल और चिराग का कत्ल दो अलग अलग केसेस हैं। एक ही है योर ऑनर, ये केस भी एक है और हत्यारा भी एक, और मैं अपनी बात साबित भी करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रांडो की गर्लफ्रेंड चंचल श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपने
मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि चंचल जी मरने से पहले जो अंतिम फोन कॉल अपने सेल फोन से ब्रांडो ने किया था वो आप ही को किया था। क्यों किया था वो फोन? क्या वार्तालाप हुई थी आप दोनों के बीच? अब सब ब्रांडो ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि उसने खंडाला में फैसल को क्लिफ पर ऑयल डालते हुए देखा था। आई थिंक इसीलिए मरने से पहले ब्रांडो ने फैसल का नाम लिया होगा। अच्छा, और पूरे विश्वास के साथ आप ये बात कह रही? जी। मैं और चुप नहीं रह सकता। बात मुझ तक आई है तो मैं तो अपना मुंह खोलूंगा, बट मेरा डिसीजन फाइनल है। तो ये बताइए चंचल जी के उस अंतिम फोन कॉल से पहले ब्रांडो ने आपको एक SMS भेजा था या नहीं? और उस SMS में लिखा था I cannot protect you anymore। अर्थात यहां से आगे मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर पाऊंगा। तो क्या किस बात से बचा रहा था ब्रांडो आपको? क्या बात थी ऐसी? बोलिए चंचल जी, क्या बात थी ऐसी जिससे ब्रांडो आपको बचा रहा? और हाँ, खंडाला मुंबई टोल नाके की उस सूची में ब्रांडो की मोटरसाइकिल का जिक्र तो था, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाले का कोई उल्लेख नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रांडो की मोटरसाइकिल लेके फैजल का पीछा करते करते खंडाला गई हो? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप सब? What are you saying? That's not possible because अब उस दिन तो मैं अपने कजन के साथ फिल्म देखने गई थी। खंडाला में लगी थी फिल्म वो? क्योंकि वो रास्ते में जो फूड कोर्ट पड़ता है वहां मिस्टर एंड मिसेस टंडन अपनी ही फोटो खिंचवा रहे थे। ये रही फोटो जहां पीछे बैकग्राउंड में दो व्यक्ति है, बड़े जाने पहचाने लग रहे हैं। देखिए जरा पहचानने का प्रयास कीजिए। आप हैं? आप ही हैं, और आपके साथ आपके मित्र योगेश। चंचल जी इसे कहते हैं फोटोग्राफिक एविडेंस, चित्र के रूप में सबूत। अब छुपने की कोई गुंजाइश नहीं, बताइए क्या कर रही थी आप खंडाला में? सब उस शाम ब्रांडो की बाइक बोरो करके मैं खंडाला गई थी, ये कहकर कि मैं अपनी आंटी से मिलने जा रही हूं। पर बाद में जब ब्रांडो को पता चला कि मेरी आंटी मुंबई में ही है, तो उसे मुझ पर शक हो गया। उसे लगा कि मैं खंडाला चिराग का मर्डर करने गई थी। उसको तो पूरा यकीन था कि फैजल के जाने के बाद क्लिफ पर ऑयल मैंने ही डाला है। सब ब्रांडो वाज प्रीटी श्योर कि चिराग का खून मैंने ही किया है, पर मेरी खातिर वो चुप रहा। चुप रहा क्योंकि वो आपको बचाना चाहता था। अगर ऐसा था योर ऑनर, तो ब्रांडो ने मरते वक्त फैसल का नाम क्यों लिया, चंचल का क्यों नहीं? क्योंकि सोडी साहब मरते समय भी ब्रांडो वही कर रहा था, इन्हें प्रोटेक्ट। बड़े दुख की बात है चंचल जी कि आखिरी सांस तक ब्रांडो आपका दोस्त बनकर आपको बचाता रहा, और उसके जाने के बाद आप अब भी उस झूठ के पीछे छिपी हुई हैं। डिसग्रेसफुल। बताइए चंचल जी, सच क्या है? बोलिए चंचल जी, अदालत के पास पूरा दिन नहीं है, बताइए सच क्या है? मैं बताता हूं कि वो चुप क्यों है। ऑर्डर, ऑर्डर। दरअसल चंचल थी तो ब्रांडो की गर्लफ्रेंड, लेकिन चंचल और मेरा अफेयर चल रहा था।
जिसकी खबर बैंडर तो क्या किसी को भी नहीं थी। और यही कारण था कि आप दोनों इस तस्वीर में उपस्थित हैं। जी हाँ, लेकिन चिराग के मर्डर प्लान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट हम तो खुद फैसल के प्लान के आई विटनेस है। आई विटनेस यानी के चश्मदीद गवाह। जी हाँ सर, जब उस दिन मैं और चंचल खंडाला घाट पर पहुंचे तो हमने सोचा क्यों ना एक नजर कल की रेस की साइड पर डाल लें। वहां पहुंचे तो हमने देखा वो कौन है? Oh my God, फैसल, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? चल निकलते, अगर उसने हमें देख लिया तो कहीं ब्रेंड को ना बता दे और हमारे अफेयर का सीक्रेट आउट। यानी तुमने और चंचल ने फैसल को वहां पर तेल डालते हुए खुद देखा? जी हाँ सर। फैसल झूठ बोल रहा है, चिराग का मर्डर इसी ने किया है। झूठ मैं नहीं, तुम लोग बोल रहे हो। दोस्त कहते हो ना मुझे? अरे क्या बिगाड़ा मेरे तुम लोगों का? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? बोलो। फैसल, काम डाउन। पाठक साहब, ये तो कंट्रोल में आ जाएगा, गर्म खून है, बच्चा है, लेकिन आपका डिफेंस मुझे कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल। याद है आपने पिछली सुनवाई को मुझसे पूछा था कि फैसल को शर्फू ने तेल भरते हुए देखा और बबलू ने उसे तेल ले जाते हुए देखा, लेकिन वहां मौका वारदात पर फैसल को तेल गिराते हुए किसने देखा? आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। यस योर ऑनर, इस वारदात का चश्मदीद गवाह योगेश और चंचल। आई एम वेरी सॉरी केडी साहब, आपका मुवक्किल रंगे हाथों पकड़ा गया। He's a killer. योगेश का झूठा बयान चंचल के रोने में साफ दिखाई पड़ रहा था। कोई तो बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। योगेश झूठ क्यों बोलेगा? अपने आप को बचाने के लिए या फिर चंचल को बचाने के लिए? कहीं उन दोनों ने मिलकर चिराग की मौत का इंतजाम तो नहीं किया? इस मोड़ पर कुछ भी कहना मुश्किल है वरुण, लेकिन एक बात तो तय है, कई लोग फैजल के कंधे का इस्तेमाल करके बंदूक चला रहे हैं, विशेषकर योगेश। कहने से क्या हमारी सिचुएशन आसान हो जाएगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम अदालत में रोने क्यों लगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुमने सच बोल दिया तो। मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जाता योगी। तुम्हारी वजह से पहले मैंने ब्रांडो को झूठ बोला। मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है। तुम्हारे साथ मैंने ब्रांडो को इतना बड़ा धोखा दिया, मेरी वजह से उसकी जान चली गई। तो क्या करना चाहती हो? मैं अदालत में सब कुछ सच सच बोलना चाहती हूँ। पागल होगी हो क्या? हम दोनों फंस जाएंगे। नहीं नहीं चंचल, तुम सच नहीं बोल सकते, हम फंस जाएंगे यार। हम नहीं, तुम फंस जाओगे। किसे कॉल कर रही हो? डिफेंस लॉयर केडी पाठक। पागल होगी क्या? खबरदार जो तुमने अदालत में सच बोला, जब फैसल पर इल्जाम लगे तो उसी पर रहने दो, वरना क्या? वरना तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम क्या तुम्हारा पूरा परिवार पछताएगा। पर ये मैं धमकी नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूं। योगी, चंचल, what's happening? Shh, keep quiet. बेवकूफ थी मैं जो इस खुदकर्ष के लिए मैंने ब्रांडो को धोखा दिया, लेकिन अब मैं सब ठीक करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, मैं चंचल बोल रही हूँ। हाँ चंचल बोलो। केडी सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ऑफिस में हूँ, आ जाओ। सर, मुझे आपके ऑफिस का पता मालूम नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। चिंता मत करो,
मैं वरुण को भेजता हूँ तुम्हें लेने। हेलो चंचल, वरुण बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बिल्डिंग के सामने हूँ। ग्रेट, जल्दी आओ। सॉरी सर, इतनी तेजी से वहां से फरार हो गया, उसे पकड़ना नामुमकिन था। बाइक का नंबर लिया? जी हाँ सर, MH033J494। MH033J494। सर ये तो मेरी बाइक का नंबर है। हाँ, वही बाइक जिसने चंचल की जान ली, वही चंचल जो इस केस से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सच मुझे बताने वाली थी, जिसके चलते हो सकता है फैजल पर लगाया हुआ आरोप रद्द हो जाता। किंतु क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों चंचल को मारा तुमने? नहीं नहीं सर, मैंने चंचल को नहीं मारा, मैं तो वहां था ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरी बाइक भी नहीं थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह का बाइक, वही मॉडल, वही रंग, वही नंबर। और तुम अब ये मत कहना शरण कि तुमने अपनी बाइक किसी को उधार दे दी थी। वेरी लेम एक्सक्यूज। नहीं नहीं सर, मेरी बाइक तो गैरेज में बिगड़ी हुई पड़ी हुई है, पिछले 3 दिनों से वो गैरेज में ही है। उसका साइलेंसर खराब था, बंद पड़ी हुई है सर वो। मस्ट बी जोकिंग। नो नो सर, सर वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी बाइक हफ्ते में 3 दिन बिगड़ती ही है। आप फैजल से पूछ लीजिए, इसी ने बेची थी मुझे। नहीं तो आप गैरेज वालों से पूछ लीजिए, जहां पर अब भी वो खड़ी हुई है। सर किसी ने मेरे जैसी बाइक लेकर उसका नंबर प्लेट कॉपी किया ताकि शक मुझ पर आए। राइट, तो तुम्हारे अनुसार ये किसी ने कौन हो सकता है? सर अब मेरे हिसाब से तो योगी ही कर सकता है, क्योंकि क्या है ना, हम दोनों के बीच में बनती नहीं थी। हाँ, समझ रहा हूँ कुछ कुछ मैं। वो योगी जिसे इस समय अदालत में उपस्थित होना चाहिए था लेकिन नहीं है। शैला बता रही थी कि योगी और चंचल के बीच में कोई लड़ाई हुई थी और योगी ने चंचल को धमकी भी दी थी। योर ऑनर, कुछ ही देर पहले हमारे मरोल बीट चौकी को ये हेलमेट झाड़ियों में मिली। मरुल बीट चौकी तो वही स्थान है जहाँ मेरे सहायक वरुण ने उस गुमनाम मोटर बाइक वाले का पीछा किया था। वो गिरा भी था। जी हाँ, और शायद उसके गिरने से ही ये वहाँ पे रह गई। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस हेलमेट को पहचानते हैं आप शायन जी? नो नो सर, ये मेरा नहीं है। एक बार फिर से पूछूंगा, इस हेलमेट को पहचानते हैं आप शयन जी? क्योंकि यहां देखिए एक नाम लिखा हुआ, शयन। अब ये मत कहना कि ये किसी और शयन का हेलमेट है, तुम्हारा ही। सॉरी सर, एक्चुअली ये हेलमेट मेरा ही है, पर मुझे नहीं पता कि ये वहां कैसे पहुंचा। सर ये तो पिछले 3 दिनों से मिसिंग है। सर कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले मेरी बाइक का नंबर प्लेट कॉपी करके और अब मेरा हेलमेट चुरा कर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया।
ट्रस्ट मी सर, आई ट्रस्ट यू सर। योर ऑनर, आई ट्रस्ट हिम, क्योंकि हेलमेट से मिला हुआ ये बाल अवश्य इनका नहीं हो सकता, किसी महिला का है। इस हेलमेट के नीचे कौन थी, उस बाइक के ऊपर कौन थी, ये हत्यारिन कौन है, ये तो हमें डीएनए टेस्ट ही बताएगा। समय आ गया है योर ऑनर, बाल की खाल निकालें। इस केस का अगला मोड़ बाल के डीएनए रिपोर्ट आने पर निर्भर है। डीएनए रिपोर्ट आने तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। अगली सुनवाई में मिस्टर योगेश दीक्षित का होना अनिवार्य है। इंस्पेक्टर, प्लीज सी दैट ही इज इन द कोर्ट। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बहुत ही अजीब केस है सर, हेलमेट शाइन का, बाल लड़की का और गायब योगी। बिलगत है, डोंट वरी। हेलो सिमी, वेयर आर यू यार? तुझे आज कोर्ट की हियरिंग में होना चाहिए था ना, और पता है जज ने तुझे ढूंढने का ऑर्डर दिया है। क्यों? शैला ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है क्या? शैला ने नहीं, शायन ने, कि तूने चंचल को धमकी दी थी। सीख का डर था मुझे, अब उस धमकी की वजह से सब समझेंगे कि मैंने चंचल को मारा। योगी, इसका मतलब चंचल को तूने मारा? नो डैम इट, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन जब उसके मरने की खबर मिली तो मुझे लगा कि सब मुझ पर ही शक करेंगे, इसलिए मैं छिप गया। आई एम रियली स्केयर्ड सिमी, मैं बहुत डरा हूँ। बट वेयर आर यू राइट नाउ? किसी को बताना मैं अपने कजन राहुल के पनवेल फार्म हाउस पर। एक काम कर, मुझे अपना एड्रेस दे। लिखो। हाँ बोल। मेहता मैंशन 34, नेक्स्ट टू प्राइम मेडिकल, करजत रोड। अच्छा ठीक है, तो मैं शाम को आके तुझे मिलती हूँ, ठीक है? जल्दी आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। योगी, केटी, मतलब पुलिस भी आओगी? योगी रुको, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। योगी सवाल आग है। Varun, wait! Varun, it's a trap! अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर पाठक, उस बाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई? जी हाँ।
इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक तो बाल शैलजा मल्होत्रा का है। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। शैला जी, आपका बाल उस हेलमेट में, यानी कि सर सर मुझे नहीं पता कि मेरा बाल उस हेलमेट में आया कैसे। मैंने तो आज तक वो हेलमेट पहना तक नहीं। सर, किसी ने जानबूझकर मेरा बाल उस हेलमेट में डाला है। इन दोनों में से किसी एक ने, सिमरन या शायन या फिर योगी। ये बात आप किस बिना पर कह रही? क्योंकि मुझे बाइक चलाना आता ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। लो जी, खोदा पहाड़ और चूहिया भी नहीं निकली। योर ऑनर, जब इस लड़की को बाइक चलाना ही नहीं आता तो इसका कातिल होना नामुमकिन है। कैसे हम मान लें कि आपको बाइक चलाना नहीं आता? सर, आप चाहे तो सिमरन या शायन से पूछ भी सकते हैं। जी सर, शैला को बाइक चलाना नहीं आता। आप चला लेती हैं? हाँ सर, ठीक ठाक चला लेती हूँ। ठीक ठाक? डोंट बी मॉडेस्ट सिमरन। कितनी विनयता से आपने श्रीनगर लद्दाख 2010 मोटरसाइकिल रैली में छठे स्तर पर आने को ठीक ठाक चलाना कह दिया। ये संभवतः आपके दल में आप सबसे उत्कृष्ट बाइकर हैं, है नहीं? जी सर, ये सच है कि मैं एक अच्छी बाइकर हूँ, पर हमारे गैंग में मुझसे भी अच्छा बाइकर कोई और है सर। वो हमेशा हारता आया क्योंकि वो औरों की तरह चीटिंग नहीं करता था। शायन, सिमरन ने तुम्हारी प्रशंसा में जो शब्द कहे, ये कभी कहीं और कहे होते तो गर्व होता तुम्हें, हम सबको तुम पर। लेकिन यहाँ अदालत में वो शब्द कहकर सिमरन ने तुम्हें कठिनाई में डाल दिया शायद। नो नो सर, नथिंग लाइक दैट। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि मेरी बाइक गैरेज में थी। हाँ, राइट राइट, भूल गया था मैं। क्या क्या तकलीफ बताई थी तुमने बाइक? सर, उसका साइलेंसर खराब था। राइट 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 राइट, साइलेंसर में जंग लगा हुआ है। मैंने जब तुम्हारे मैकेनिक एंथनी से बात की, उसने भी यही कहा कि वो साइलेंसर इस समय बाजार में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण तुम्हारी बाइक वहीं गैरेज में ही खड़ी हुई है। वही तो मैं कह रहा था आपसे। हाँ, लेकिन झूठ भील तो बोल सकते हो, और तुम्हारा कारीगर एंथनी भी। ये भी तो हो सकता है कि तुमने एंथनी को झूठ बोलने के रुपए दिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये केवल आरोप है जिसका कोई आधार नहीं। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास केडी? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इस समय मेरी इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं एक बार इनकी बाइक को देख लेता तो शायद कोई सुराग मिल जाता। लो जी, तो आप क्या पूरी अदालत को एंथनी के गैराज पर वो बाइक दिखाने ले जाएंगे केडी साहब? जी नहीं योर ऑनर, अदालत को ये तकलीफ नहीं दूंगा। कभी कभी योर ऑनर, इंसान कुएं के पास नहीं जा सकता तो कुएं से पानी निकालकर इंसान तक लाया जा सकता है। वरुण, सोरी साहब, रुकावट के लिए खेत बस 2 मिनट। हाँ, टेक योर टाइम। ये क्या है केडी, तुम बगैर मेरी इजाजत के मोटरसाइकिल इस अदालत में ले आए? क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बाइक हमें असली हत्यारे तक पहुंचा सकती है। आपकी अनुमति हो तो मैं इसे साक्षी के रूप में अदालत में पेश करना चाहता हूँ। तुम बगैर मेरी इजाजत के इस मोटरसाइकिल को अदालत तक ले आए और अब मुझसे इजाजत मांग रहे हो, गो अहेड। धन्यवाद यार। शायन, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बाइक के साइलेंसर पर थोड़ी सी मिट्टी लगी है, लेकिन जंग तो कहीं नहीं लगा, एकदम उत्तम अवस्था में। और अगर इतने दिनों से बाइक गैरेज में खड़ी हुई है तो उसे स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना?
देखे। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। तुम्हारी बाइक भी बिल्कुल ठीक है। बताओ शेर कि तुमने और तुम्हारे कारीगर एंथनी ने झूठ क्यों बोला। शेर अब सच को छुपाकर कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारे झूठ का साक्ष्य तुम्हारे सामने है। कृपया कर बताइए अदालत को कि झूठ क्यों बोला था। सर वो मैंने आपसे झूठ डर के मारे बोला ताकि आप ये ना समझो कि वो नकली बाइक मेरी ही थी। सीरियसली सर आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला, बट सच ये है कि मेरी बाइक ठीक थी और मेरे पास ही थी। बट सर जिस बाइकर की वजह से ये सब मौतें हो रही है ना, वो बाइकर मैं नहीं हूँ और ना ही उसकी बाइक मेरी ये बाइक है। चलो इस बात की भी पुष्टि किए देते हैं। योर ऑनर, पनवेल में जहां मेरे सहायक वरुण और उस घातक बाइक में वो रेस छिड़ी थी वहां लाल मिट्टी थी। योर ऑनर, वो लाल मिट्टी जो अभी भी इस बाइक के पहिए पर लगी हुई है। सर ऐसी लाल मिट्टी तो मुंबई की सड़कों पर आम होती है। करेक्ट करेक्ट पुत्र। केडी साहब कोई पुख्ता सबूत दीजिए। यस ऑफ कोर्स, पुख्ता सबूत योर ऑनर। उस समय जब मेरे सहायक वरुण उस घातक बाइकर का पीछा कर रहे थे, वरुण को बचाने के चक्कर में मेरे मुंह से च्युइंगम नीचे गिर गया था। योर ऑनर, वो च्युइंगम अब भी बाइक के पहिए पर चिपका हुआ है। मेरे मुंह से निकला हुआ यह च्युइंगम शयन के मुंह से निकले हुए झूठ का सबूत है। साबित हो चुका है योर ऑनर, यही टायर यही बाइक जिस पर हत्यारे ने बैठकर वो सारी हत्याएं की और वो शयन है योर ऑनर। पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वही च्युइंगम है? मुंबई में तो हजारों लोग ऐसी च्युइंगम चबाकर थूक देते हैं। अगेन करेक्ट पुत्र। केडी साहब खोखली दलील। पुत्र इसकी पुष्टि हम नहीं फोरेंसिक डिपार्टमेंट करेगा। इस च्युइंगम को हम जांच के लिए भेजेंगे और फोरेंसिक डिपार्टमेंट बताएगा। अनुमति चाहता हूं योर ऑनर इस च्युइंगम को फोरेंसिक्स में भेजने की ताकि यह साबित हो सके कि इस पर लगा हुआ लार मेरा ही है और यह च्युइंगम मेरे ही मुंह से गिरा था। इंस्पेक्टर जी यू आर फिनिश्ड। मिस्टर शयन इसे जांच के लिए ले जाइए ताकि जल्द से जल्द शयन का सच सबके सामने आ जाए। रुकिए। जिस बाइकर ने वरुण को मारने की कोशिश की थी वो मैं ही था। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने ही योगी को मारा, चंचल को, ब्रांडो को और चिराग को भी। इंस्पेक्टर साहब वो
दे दीजिए। इसे अब डीएनए जांच के लिए भेजने का कोई फायदा नहीं है शयन, क्योंकि एक तो तुम इकबाल जुर्म कर चुके हो और दूसरा ये च्युइंगम मेरा है ही नहीं। साइलेंस प्लीज। फैसल ने जब मुझे अपने तेल डालने वाले आइडिया के बारे में बताया तो फोन पर भले ही मैंने उसे रोक दिया, लेकिन मनी मनी ये उम्मीद की कि वो चिराग को मार दे और खुद फंस जाए, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चुपके से खंडाला गया। पर जब मैंने वहां देखा कि उसने अपना इरादा बदल दिया तो मैंने ही उसके कैन में छेद कर दिया और उसके वहां से जाने के बाद मार्केट से वैसा ही तेल लेकर वहां डाल दिया। लेकिन मुझे वहां तेल डालते हुए योगी और चंचल ने देख लिया था तो मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने मेरी इस हरकत के बारे में किसी को भी बताया तो मैं ब्रांडो को उनके अफेयर के बारे में बता दूं। इसीलिए मेरे ही दबाव में योगी ने कोर्ट में फैसल का नाम लिया। शयन, ब्रांडो को तुमने क्यों मारा? क्योंकि मुझे डर था कि ब्रांडो खुद फंसने की कंडीशन में चंचल का नाम ले देगा और अगर चंचल कटघरे में आ जाती तो वो घबरा कर मेरा नाम ले देती, इसलिए मैंने ब्रांडो को ही मार दिया। और चूंकि चंचल मुझे तुम्हारा नाम बताने वाली थी, तुमने उसे भी मार दिया। और फिर योगी को, क्योंकि वही बाकी था जो मेरे सच के बारे में जानता था। एक बात बताओ शायद, फैजल तो तुम्हारा दोस्त था, अपने दोस्त को इस प्रकार क्यों फंसाया तुमने? इस बारे में मैं आपको अदालत में पहले ही बता चुका हूं। मेरी ये बाइक जो मैंने फैसल से अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी, और जब से ये बाइक खरीदी थी तभी से ये बाइक मुझे प्रॉब्लम दे रही थी। ये बाइक बेचकर फैसल ने मुझे ठगा था। जब भी ये बाइक रुकती थी ना तो मेरी जान जलती थी और मैं फैसल को कोसता था, इसलिए मैंने इसको सबक सिखाने के लिए इसी का प्लान इसी पर घुमा दिया। साइलेंस प्लीज। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल के लिए, एक बिगड़ी हुई मशीन के लिए तुमने एक दोस्त की जान ले ली, दूसरे दोस्त को फंसा दिया और इसके चलते बाकी तीन दोस्तों को मार दिया। ये कैसा क्रोध है तुम्हारी पीढ़ी का शयन, जिसमें न केवल इंसान बल्कि इंसानियत भी भस्म हो। कब तक लड़कपन के इस खेल में लोगों के जीवन से खेलते रहोगे तुम लोग? कब तक? कब समझ में आएगा तुम लोगों को जीवन का मूल्य? डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, ऑफ योर ओन लाइफ, ऑफ अदर्स लाइफ? शयन, ये घटना तुम्हारी गति पसंद पीढ़ी के लिए एक सीख होनी चाहिए कि इस स्पर्धा में हजार बार तुम मौत को हराते हो, लेकिन मौत कोई आवश्यकता नहीं है कि तुमको हजार बार हराए, बस एक ही बार, वंस ओनली। मुझसे गलती हो गई सर। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा गुस्सा दूसरा की जिंदगी को खा गया। सर, मुझे माफ कर दो। सर, मुझे माफ कर दो।
यह अदालत फैसल शेख को इस केस से बाइज्जत बरी करती और शान कोठारी को चिराग दिवेचा, बीरेन नारंग, चंचल श्रीवास्तव और योगेश दीक्षित के कत्ल के जुर्म में ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। द केस इज क्लोज्ड। आपकी नसीहत ने मेरी आंखें खोल दी हैं केडी सर। वादा करता हूं आज के बाद कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करूंगा। आई एम हैप्पी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और हाँ, याद रखना, जितना जोश उतना होश। और आप सब भी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.